पहले गोली खा लीजिए, फिर पढ़िएगा। ओह, तुम तो डॉक्टर से भी बढ़ गई। जी हाँ, पिछले महीने ब्लड प्रेशर से जो आपकी हालत हुई है मुझे याद है। लीजिए। लाओ, खा लेता हूँ भाई। अरे क्या हुआ, किसका टेलीग्राम है? इंजीनियर साहब का। कौन इंजीनियर साहब? ओह, तुम्हारे बड़े बेटे राकेश का। राकेश का क्या लिखा है? तुम्हारी आशा पूरी हुई, वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर शाम के प्लेन से हिंदुस्तान वापस आ रहा है।
राकेश वापस आ रहा है। नरेश, नरेश, नरेश कहाँ है? तुमने तो खुद उसे बाहर भेजा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सुंदरलाल क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, ऑफिस में फोन कर, आज ऑफिस बंद करके सबको छुट्टी दे दे। हाँ, हाँ। रामू जी, मैम साहब, जल्दी बात मालिक को बोल कि सारा घर फूलों से सजा दे, आज मेरा बेटा आ रहा है। बहुत अच्छा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, पुम 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 क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो ना कौन हो। सुंदरलाल, मालकी ने सबकी छुट्टी कर दी ऑफिस में, ताला लगा दो। चल हट, गधे कहीं के। जी नहीं भाई, सुन, मैं आपसे नहीं, इस गधे से कह रही हूँ। ओ भाभी, माफ कीजिएगा। हाँ फरमाइए, क्या हुक्म है? सुनिए, आज शाम के प्लेस से राकेश वापस आ रहा है, लंच के बाद ऑफिस बंद कर दीजिए। जी हाँ, और हम सब उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पे जाएंगे। हाँ, और सुनिए, आज शाम का खाना आप हमारे साथ खाइए, और सीमा बेटी को लाना भूलना नहीं। जी जरूर ले आइएगा। तुम सुनो, जल्दी से इलेक्ट्रिशियन के पास जाओ और उसे कहो कि राकेश का कमरा जैसे भी हो शाम तक एयर कंडीशन करके दे। सुनिए, जरा दीवान गोविंद साहब का नंबर दीजिए ना। अरे आप तो बस एक टक देखे ही चले जा रहे हैं, क्या बात है? तुम्हारा इतना जोश, इतनी खुशी देखकर ऐसा लग रहा है कि राकेश तुम्हारा सगा बेटा है और नरेश सौतेला। छोड़िए ना, कैसी बात कर रहे हैं, दोनों ही मेरे बेटे हैं। मैं तो सिर्फ माँ हूँ, दोनों की माँ। क्या सोच रहे हैं? मुझे एक बीती हुई रात याद आ गई। कौन सी रात? शोभा, तुम तो जानती हो ये रात मेरी जिंदगी में दूसरी बार आई है, लेकिन दोनों रातों में एक फर्क है। पहली रात मैंने एक चांद देखा और उससे कहा, जो तुम मांगना चाहो मांगो, मैं तुम्हारी झोली में आसमान के तारे तोड़कर भर दूंगा। और आज की रात भी एक चांद देख रहा हूं, लेकिन आज मैं उससे कुछ मांगना चाहता हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पाप का भागे क्यों बना रहे हैं? मुझे आगे दीजिए, मैं आपके लिए। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जिंदगी भर मेरी कोई भी सेवा ना करो, मेरा ध्यान न रखो, मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बस सिर्फ एक विनती है। कहिए। आया मुन्ने कला। ये मेरी पहली रात की तमन्नाओं का टूटा हुआ सितारा है, मैं तुम्हारी गोद में रख रहा हूं। मुझे वचन दो, इसे कभी पता ना चले कि इसने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। तुमने अपना वचन निभाया तो मैं समझूंगा तुमने अपने पति की तरफ हर कर्तव्य का पालन किया। मैं आपको वचन देती हूँ। और तुमने इस तरह अपना वचन पूरा किया, शायद कोई औरत ना कर सके, अपने और सौतेले का फर्क मिटा दिया। बस बस, बहुत तारीफ हो गई, सारा काम पड़ा है। जरा दीवान साहब का नंबर बताइए तो। मेरी डायरी में ले लो। अच्छा।
कैसी हो माँ? कैसा है रे तू? नजर ना लगे मेरे बेटे को। पिताजी जीत रहो बेटा, जीत रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा रखे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा आकाश आज मेरे पांव पर झुक गया है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तुम्हें उंगली पकड़ कर चलाया और अब मैं तुम्हारे सारे मंजिल तक पहुँच गया। वेलकम होम बेटा, वेलकम होम। नरेश तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं गए? जाना चाहती हूँ। मैं क्यों नहीं गया? मेरे सामने दो पोर्ट थे, एक एयरपोर्ट और दूसरा पैरपोर्ट। उधर पिताजी एयरपोर्ट में अपने बच्चे को लेने गए, इधर मेरे दिल ने कहा तुम भी पैरपोर्ट में अपने होने वाले बच्चे की माँ के पास चले जाओ। क्या? अरे अभी नहीं, जब प्यार है तो शादी भी होगी, और जब शादी होगी तो लड़के वड़के भी होंगे, कोई रोक तो सकता नहीं। जी जी, कैसी बातें करते हो तुम? अरे अरे अरे, तुम तो बातों से शर्माने लगी, जब मैं सचमुच। नहीं नहीं नरेश प्लीज। ओ, तुम्हारे पिताजी का मुंह मैं साफ कर देता हूँ। नरेश प्लीज। लीजिए ना भाई, आप सीमा को भी ले आते तो बहुत अच्छा होता। अजी मैं तो उसे साथ ही लेकर आने वाला था, मगर वो अपनी किसी सहेली के साथ फंस गई। नरेश मैं तो मेरे काम के तरस किसको देखने के लिए किसी काम में फंस गया होगा बेटा। भैया अरे नरेश। ओ भैया कैसा है रे तू? बिल्कुल अच्छा हूँ। कहाँ था अब तक, कब से इंतजार कर रहा हूँ? यूं ही कहीं फंस गया था। कैसा रहा सफर? फर्स्ट क्लास। अच्छा राकेश। अच्छा जी। अच्छा नरेश। और सुनाओ भैया, मेरे लिए फॉरन से क्या लाए हो? दिखाता हूँ। Oh, so beautiful. भैया और क्या लाए हो? इंजीनियरिंग की डिग्री। हाँ वो तो मालूम है, मेरा कहने मतलब है कि माल वाल स्मगल किया क्या? What nonsense? क्या मैं वहाँ स्मगलिंग करने गया था? ओ भैया। राकेश बेटे, जरा यहाँ आओ। आओ नरेश। आपने मुझे बुलाया अंकल? हाँ बखुरदार, विनायक से इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आए हो, अब आगे के लिए क्या प्लान है? अंकल वो क्या मतलब? भाई मेरा मतलब है कोई गवर्नमेंट असाइनमेंट या कोई प्राइवेट जॉब? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी इतनी बड़ी कंसर्न है, दोनों भाई मिलजुल के संभाल लेंगे। और तुम? मैं शोभा, अब तो मैं आउटडोर शूटिंग करूंगा अपनी हीरोइन के साथ। दीवान साहब जिंदगी भर बहुत मेहनत मजदूरी की है, अब तो किसी पहाड़ी मुकाम पर जाकर हम दोनों रोमांस। Well, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Kulwant Rai अब रोमांस करेंगे। इसलिए हमको यहाँ से जाना चाहिए। गुड नाइट, गुड नाइट। जब मुझे वहां पता चला कि तुम इस बार भी फेल हो गए तो बहुत अफसोस हुआ। नरेश कम से कम ये डिग्री तो ले लेते। भैया मुझे डिग्री लेके क्या करना है? डिग्री तो उसे चाहिए जिस नौकरी कर रही हो। राकेश अपना इतना बिजनेस है। तुम बहुत थक गए होगे बेटा, रात भी बहुत हो गई, जाओ सो जाओ। अरे आओ नरेश। एक बात तो रह गई, मैं राकेश को एक सरप्राइज देना चाह रहा था। अच्छा। ठहरो 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 ठहरो, मेरी दिल की बात सुन लो ताकि मैं भी चैन से सो सकूं। मैं भी आया। अरे खड़ी ना, आप तो खुशी से मेरी हवा में उड़ रहे हैं। डॉक्टर ने आज से चलने के लिए। ओह डॉक्टर की बात छोड़ो, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छा नरेश चल तू तो खाना खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं। माँ अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जरा साफ सफाई करवा लूँ। अच्छा भैया आओ बैठे। सुना है यूरोप में नंगे नाच वाच के प्रोग्राम बहुत होते हैं? हाँ नरेश होते तो हैं। बिल्कुल नंगे कमाल है, तो सारी टिकट बिक जाती होगी। तो चुप रहे भैया, कितने देखे? नरेश मैं वहां पढ़ने गया था, न्यूड शूज देखने नहीं। एक शो भी नहीं देखा? शट अप। नरेश मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों में तुम काफी बदल गए हो। भैया यहाँ पर कोई क्या बदलेगा, हमारे यहाँ फिल्मों में किसिंग भी नहीं होने देते, हीरो हीरोइन जरा करीब आते हैं सेंस वाले बीच में काट देते हैं। मना भी नहीं लेने देते। आपने काम कर। भैया तुम वहां से कोऑर्डिनेट भी गए थे, कौन सा देश सबसे अच्छा लगा? और वैसे तो सभी देश अच्छे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड का जवाब नहीं। पिताजी डैडी
क्या हो गया? नरेश डॉक्टर को बुला। नहीं नहीं डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, अब मेरा बुलावा आ चुका है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। नहीं शो, मैं बड़े इत्मीनान से इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? राकेश ये कागजात संभाले। राकेश घर की और कारोबार की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। बेटा एक बात और है, दुनिया की हर माँ पूजा योग्य होती है, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत महान, बहुत महान। बेटा बेटा वचन दो, वचन दो इसकी आज्ञा का पालन, इसकी आज्ञा का पालन करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। पिताजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ। पिताजी आपने तो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, कम से कम यही बात पूरी कर दीजिए। जीजाजी होते तो जिस घर में मैं हंसकर आता था रो कर नहीं आता। बेटा तू अनाथ हो गया, मेरी बहन विधवा हो गई। न रो बहन न रो, मैं आया राम गया राम की तरह इस घर में आता जाता था, अब मैं अपनी बहन और दोनों बेटों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं तो लट गई भैया। तुम चिंता ना करो बहन। बीआर कंपनी, लेकिन चाचा जी इनका अकाउंट तो क्लियर हो चुका था ना? नहीं, ये रकम बाकी है, उनका दो बार फोन भी आ चुका है। अच्छा सेल्फ का चेक ये किस लिए? बेटा वो नरेश ने कहा था कि उसे कुछ रुपए चाहिए। नरेश ने? नरेश जरा यहां आना। नरेश तुम्हें रुपए क्यों चाहिए? जरूरत है। लेकिन 15 दिन पहले तुमने 5,000 रुपए लिए, वो क्या हुए? खर्च हो गए। कैसे खर्च हुए? और मुझे हिसाब भी देना पड़ेगा? नहीं नहीं बेटे, वो हिसाब नहीं मांग रहा है, वो तो पूछ रहा है। दे दे बेटे दे दे। ये लो। लेकिन सुनो, जाती खर्च के लिए आधा इतने नहीं मिलेंगे। ऐसी बात है तो मुझे ये चेक भी नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए? बच्चा है, मैं से समझा दूंगा। नरेश बेटा ठहर जाओ। अरे तू कहां जा रहा था? जहन्नुम में। अगर आज जीजा जी होते तो तुम्हें इस तरह जहन्नुम में न जाने देते। अच्छा किया जो तुमने चेक फेंक दिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इसके तेवर कुछ बदले हुए हैं। मामा जी मुझसे अब ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। अजी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, मगर चिंता से दुख और बढ़ जाता है। दुख का इलाज चिंता नहीं। फिर क्या है? चिंतामणि। अरे चिंतामणि।
नरेश, अरे तुम अभी तक सो रहे हो? देखो राकेश कब का तैयार होके ऑफिस चला गया। उठो बेटा। माँ मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? सोने दो बहन, इसे सोने दो। ऑफिस में इसके लिए रखा ही क्या जो ऑफिस जाए। राकेश की वजह से बेचारा रात भर सो नहीं सका। क्यों, क्या हुआ? वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज अगर जीजाजी होते तो ऐसा अत्याचार ना होता। राकेश ने आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भैया ये क्या कह रहे हो? राकेश के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती। यही तो डर था कि तुम बुरा मान जाओगे। लेकिन नरेश मेरा खून है, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकता। कल जरा सी बात पर भरे दफ्तर में उसने सबके सामने हमारे बच्चे को जलील कर दिया। नहीं राकेश ऐसा नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूँ बहन। वो धीरे धीरे हर चीज पर अपना कब्जा जमा रहा है, और देख लेना एक दिन हम सबको घर से जलील करके बाहर निकाल देगा। समझाना मेरा काम था, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। मामा तो अंदर पहुंच गई। कौन, क्या बात, क्या है? कुछ नहीं मामा, अभी थोड़ी देर पहले मैं और वो लड़की बाथरूम में टकरा गए। मैंने जरा प्यार से हाथ फेर दिया और वो शिकायत लेकर अंदर पहुंच गई। अब अगर हाथ फेर ही दिया है बच्चू तो पीछे मत हटना। याद रखो तुम भी इस कंपनी के मालिक हो। आता हूं भैया। डरना मत। क्या बात है भैया? नरेश बात कुछ हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। जूली से माफी मांगो और वादा करो कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। ना मैंने कोई गलती की है, ना मैं नौकरों से माफी मांगूंगा। मैं तुमसे छोटा जरूर हूं, नौकरों से नहीं। आदमी को दौलत का गुरूर नहीं करना चाहिए नरेश। ये लोग अपनी मजबूरियों के कारण नौकरी करते हैं, अपनी इज्जत नहीं बेचते। नरेश तुम्हें जूली से माफी मांगनी होगी। आज अगर जीजाजी होते तो इसे गोली से उड़ा देते। मामा जी इसकी गलतियों पे पर्दा डालना आपको शोभा नहीं देता। मैं नरेश माफी मांगो। तुम तो इसके लिए ऐसे भड़क रहे हो जैसे तुम्हारी कुछ लगती हो। नरेश मैं सब समझता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं ऑफिस में आना छोड़ दूं ताकि पिताजी की दौलत पर तुम अकेले रंगरलिया मना सको। अरे रामू जी, माँ कहाँ है? ऊपर बेडरूम में। माँ एक खुशखबरी लाया हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से आज एक बहुत बड़ा टेंडर पास हो गया है। सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो माँ। राकेश मैं पूछती हूँ क्या तुम सारी दुनिया को तमाशा दिखाना चाहते हो? माँ क्या बात है, मुझसे पूछते हो? मैं इतने दिनों से सब कुछ सुनती चली आ रही थी लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया। माँ क्या हो? बाप ने जिसे कभी डांटा तक नहीं आज तुमने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा। माँ मैंने तो उसकी भलाई के लिए उसे मारा था। उसकी भलाई के लिए या अपनी भलाई के लिए? ये तुम कह रही हो? मैं नहीं जानती थी कि बाप के मरने के बाद तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। आज भाई पर हाथ उठाया, कल माँ पर भी उठा सकते हो। क्या दुनिया पर यह साबित करना चाहते हो कि तुम सौतेले हो? मैंने अपनी जिंदगी में ये शब्द तुम्हारे मुंह से पहली बार सुने हैं। मैं जरूर अपने हद से आगे बढ़ गया हूंगा। मुझसे भूल हो गई मां, मुझे माफ कर दो। नरेश मुझे माफ कर दो।
पिताजी ने तो कहा था कि तुम नौकरी नहीं करोगे, अपना ही कारोबार संभालोगे। जी हाँ, पिताजी ने तो कहा था, लेकिन अपना पिताजी रहे ना वो हालात, और फिर यहाँ का कारोबार मेरा छोटा भाई संभाल लेगा, उसने भी अपनी तालीम पूरी कर ली है। और अंकल आप तो जानते हैं मुझे इंजीनियरिंग से कितना शौक है। काम तो है लेकिन बहुत डिफिकल्ट, तुम कर सकोगे? क्यों नहीं अंकल, मुश्किली काम करने में तो मजा आएगा। आप काम बताइए। हिमाचल प्रदेश में अपनी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस इलाके में पुल बांधना है उस गांव के लोग किसी कीमत पर भी गांव खाली करने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए अभी तक इनिशियल सर्वे भी नहीं हो सका। लेकिन वो लोग गांव क्यों नहीं खाली करते? उनका सरदार गांव का ठाकुर है, सब लोग उसी का हुक्म मानते हैं, इसलिए हमारी हर कोशिश नाकाम रही। मैं वहां नाकाम होने के लिए नहीं जाऊंगा अंकल। वेरी गुड, तो ऐसा करो तुम वहां जाओ और सबसे पहले उन लोगों को गांव खाली करने पर रजामंद करो, फिर जल्दी से जल्दी जमीन का सर्वे करके नक्शे यहां भेजो। तुम्हारी देखभाल के लिए हमारा एक नौकर तुम्हें वहीं मिल जाएगा। थैंक यू अंकल। हो गया, गाड़ी लेट है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गाड़ी का सिस्टम है, लेट चलती है, लेट आती है। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम जरूरत से ज्यादा पंक्चुअल होते जा रहे हो, इंग्लिश होते जा रहे हो, आदमी को अपना सिस्टम नहीं भूलना चाहिए, समझे? अजीब बेवकूफ नौकर है, अभी तक स्टेशन नहीं आया। एक्सक्यूज मी, अरे फंस गया, निकल गया। आप में से राकेश बाबू कौन है? मुए तेरी आंखें फूटी है, जनाने डब्बे में घुसा रहा है। भाई और कहाँ घुसूं? तेरी माँ बहन नहीं है क्या? हमसे क्या पूछता है? तेरा राकेश बाबू इस जनाने डब्बे में कहाँ से आएगा? अरे तो फिर मर्दानियों का डब्बा कहाँ गया? आइए साहब पधारिए, बैंड चालू। हमारी जनता के भले लोग देश के कोने कोने में मौजूद हैं। डेफिनेटली सर। और मैं ये कह रहा था, और मैं कह रहा था इंजीनियर साहब आपका सामान की तरह। इंजीनियर जी? अरे भाई हम इंजीनियर नहीं हैं। तो फिर आप क्या हैं? हम नेता। नेता? आप करते क्या हैं? हम कुछ नहीं करते, सिर्फ भाषण देते। तो मेरे राशन को खतरे में डाल रहे हैं। बैंड बंद, लाइए मेरा हाथ। यार कहाँ ढूंढो उस कंबक चढ़तुराम को? अभी अभी आपने क्या नाम लिया? चढ़तुराम। और साथ में कमबख्त भी बोला? जी हाँ बोला। बोला बोला बोला। तो मैं हाजिर हूँ। तो तुम हो? जी हाँ, मैं चढ़तुराम वल्द गोवर्धन गिरधारी, बाल ब्रह्मचारी, आपका आज्ञाकारी। कॉन्ट्रैक्टर साहब ने मुझे आपकी सेवा में फिट किया है। लेकिन अभी तक तुम कहाँ फिट थे? ये मैं आप ही को ढूंढ रहा था। बोले सबका सामान ले लो, बैन चालू। चढ़तुराम जी कौन है? मेरे पैसे। ओ पैसे साहब, इसे 100 रुपया मेरे अकाउंट में दे दीजिएगा, मेरे पास 10 का नोट है। मेरे पास 100 का नोट है। ये तो मेरा भी बाप निकला। चढ़ साहब, यहाँ की आबादी कितनी होगी? अब इसका कोई भरोसा नहीं, हर साल बढ़ जाती है। फुर्सत के टाइम पर गांव वाले से ही काम करते हैं साहब। वैसे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन एक रोज एक लेडी डॉक्टर भाषण कर रही थी कि सरकार 15 पैसे में 3 पूरी दवा देती है, बहुत दिनों की छुट्टी हो जाती है। साहब जो आर लाफ रहे।
तुम कौन हो? जो पूछा जाए उसका जवाब दे। हमसे पूछे बिना हमारे हाथ में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? तुमसे पूछने की जरूरत है? ये इलाका हमारा है, यहाँ से चला जा नहीं तो कच्चा खा जाऊंगी। कच्चा ही खाना है तो गोलियों से क्यों भूनना चाहती हूँ? मैं तो यहाँ एक अच्छे काम के लिए आया हूँ, जिससे सबका भला होगा। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं जानती, अपनी जान प्यारी है तो भाग जाए यहाँ से। ओहो, खुद से ज्यादा नरम और आग से ज्यादा गर्म। अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो? तू ऐसे नहीं मानेगा। वाह वाह वाह, क्या सीटी बजाती हो, जरा एक बार फिर से बजा के बताओ ना। ठहर जा, अभी बताती हूँ। ये फौज बुलाने की क्या जरूरत थी, तुम तो अकेली काफी हो। पकड़ लो इसको। अरे अच्छी तरह से पकड़ना। अरे पकड़। बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? बोलूं? हाँ बोल। छोड़ दिया जाए, इसकी गठरी बना के फेंक दो। क्या उठा लो इसे। उठाओ। अरे अरे संभाल के भैया, अरे संभाल के, संभाल के, अरे संभाल के, अरे आ, आ, आ। अभी तो लाकर फेंक दिया, अगर फिर इधर आया तो याद रखना। हाँ याद रखूंगा। अरे भाई थैंक यू वेरी मच। चलो चले। अच्छा ये तो बताते जाओ, ये गाड़ी कितने बजे जाती है? 2:45 की साहब। चढ़ तू। सर तू यहाँ क्या कर रहा है? आपका रिटर्न टिकट लिए बैठा हूँ साहब। क्या बकता है? बक नहीं रहा साहब, आपसे पहले भी 3 इंजीनियर आए और इसी तरह निकाले गए। वैसे वो लड़की कौन थी? यहाँ की मालिक है साहब, उसका बाप गांव का ठाकुर है। नाम तो उसका पार्वती है, लेकिन श्री दुर्गे भी है, श्री चंडके भी है, एंड आल्सो श्री झांसी की रानी भी है साहब। सब उसे डरते हैं साहब। फिर तो बात तब बनेगी जब वो हमारा कहना मानेगी। चढ़ तू सर। उतर तू। डेफिनेटली सर, गॉड ब्लेस यू सर। ऐसे नहीं, सामान भी उतार तू। हम यहाँ नाकाम होने के लिए नहीं आए।
क्या हाय हाय कर रहा है? कोई मर गया है क्या? ला मेरी बंदूक दे। नहीं 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 नहीं, इसकी दोस्ती नहीं, पहले मेरी बात सुन ले, वरना ना मैं यहाँ से जाऊंगा ना तुझे यहाँ से जाने दूंगा। अरे काहे को अपनी जान खतरे में डालता है? मेरे बापू को पता चल गया ना तो चमड़ी उधेड़ के रख देगा। तू कच्चा खा जाएगी, तेरा बापू चमड़ी उधेड़ देगा। तुम लोग आदमी हो या आदमखोर? क्या खोर? मैन ईटर। क्या क्या क्या? जंगली जंगली, जो आदमी को कच्चा खा जाते हैं। हमको जंगली कहता है? शहरी चूहे। मैं तुझे? मैं कोई चूहा नहीं, चूहे होंगे वो तीन बेचारे जिनका तूने गठरी बांध के यहाँ से पार्सल कर दिया। अरे जा, गठरी तो तेरी भी बना दी थी बाबू, लेकिन तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए उन लोगों को जो हर साल नदी के बाढ़ में डूब के मर जाते हैं, आस पास की बस्तियां बर्बाद हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है, और जो डूबने से बच जाते हैं भूख के मारे मर जाते हैं। मुसीबत तेरे भाई बंद उठाते हैं या मैं उठाता हूँ? बोल, बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? अगर इस नदी पे बांध बांधा जाए तो तुम लोगों का क्या बिगड़ता है? बांध बांधा जाएगा तो तेरे गांव वाले डूबने से बचेंगे नहीं, हर साल खेती नहीं होगी, हमेशा अनाज नहीं मिलेगा, गांव के अंधेरे दूर नहीं हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो बांध बांध कर चला जाऊंगा, लेकिन तेरे गांव में हमेशा के लिए फायदा हो या नुकसान? ये ले अपनी बंदूक, मैंने अपनी बात कह दी, अब चला ले जितनी गोलियां चलानी है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। देसी साबुन नहीं है, लक्स साबुन है। ये देख लाखों रुपया लेने वाली हीरो हीरोइन आती हैं। तू क्या चीज़ है? मेरा बन मत कर। क्या बात? वो उनका और आपका हिट? क्या आप बकता है? मैं बक नहीं रहा साहब, आपके भले की बात कह रहा हूँ। हमारी सरकार का क्या भरोसा? इंश्योरेंस नेशनलाइज कर दिया, बैंक नेशनलाइज कर दिए, कल को रोमांस नेशनलाइज कर दिया, तो आपका चांस तो मेरा बुरा मान गया। ओहो मेरे साथी, मेरे हाथी, तुम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? साहब ने मुझे गधा कहा, तुम्हें नहीं। तुम ही अकेले गधे नहीं हो, मैं भी गधा हो सकता हूँ। अगर तुमने बुरा माना तो मैं साहब की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज। माफ कीजिए साहब, गधा बुरा मान गया, पढ़ा लिखा मॉडर्न गधा है, फिर अपनी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है, आखिर वो भी इंसान है। चढ़ तो जी। चढ़ आप। डेफिनेटली सर। जल्दी डेरे पे आओ। डेफिनेटली सर। क्या झगड़ा लगा रखा है? क्यों लड़ रहा था? इसने मेरे से 2 रुपए लिए थे, देता नहीं है, मेरी माँ बीमार है। माँ बीमार है? ये ले जा, माँ का इलाज कर। जो भी? एक तो उसके रुपए नहीं देता, ऊपर से झगड़ा करता है। ठाकुर चाचा, इसने मेरी माँ को गाली दी थी। माँ को? तूने इसकी माँ को गाली दी थी? कान पकड़ और बोल कि इसकी माँ तेरी माँ? इसकी माँ मेरी माँ। इसकी माँ तेरी माँ हुई तो ये तेरा क्या लगा? भाई चलो, भाई भाई गले मिलो, चलो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बैठे बैठे तमाशा देख रहे। खबरदार, आज के बाद जो कोई इस गांव में झगड़ा तो। ठाकुर चाचा, ठाकुर चाचा, ठाकुर चाचा। क्या है? परदेशी फिर आ गया, नदी किनारे उसने डेरा जमा लिया, मैं खुद देख के आया हूँ। अरे क्या कहता है? फिर आ गया? उसकी इतनी हिम्मत, एक बार फेंक दिया फिर नदी के इस पार चला आया। आओ मेरे साथ। शाबाश, मैं कह दो ये सब, फेंक दो इसका सारा सामान। मेरी बात तो सुनो ठाकुर। मैं कुछ नहीं सुनूंगा ठाकुर। मुझे गुस्सा ना दिला बाबू, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, किसी की इज्जत नहीं। मैं इज्जत नहीं कर रहा हूँ ठाकुर, आप लोगों की फायदे की बात कह रहा हूँ। हमारा फायदा गया जहन्नुम में, चल तबाह हो जाओ यहाँ से। ठाकुर हट जा।
मैं कहता हूँ यहाँ से जाता है कि नहीं? नहीं नहीं। भलाई चाहता है, इसके काम के लिए हमें गांव खाली करना होगा। हमारे सारे आदमी घर से बेघर हो जाएंगे, इनका क्या होगा? हाँ हाँ, हमारा क्या होगा? हम गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? किधर जाएंगे? हम गांव खाली नहीं करेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। बेघर नहीं होगा ठाकुर। हम आप लोगों को एक नया गाँव बना के देंगे, जिसमें हर एक के लिए अपना अपना एक नया घर होगा। बोलो बाबू, बोलो, अब तुम क्या बोलते हो? शहरी आदमी का क्या भरोसा, ये कहते कुछ है करते कुछ है। मैं वादा करता हूँ कि जब तक आप लोगों को नए घर नहीं मिलेंगे, वन का काम शुरू नहीं होगा। बापू, ये वादा कर रहा है, इसे एक मौका तो दो। ठीक है बाबू, अपना काम कर, मगर इतना याद रखना, अगर धोखा दिया तो इसी नदिया में डबो कर मार डालूंगा, समझे? चलो भाइयों, चलो। थैंक यू बारो। क्या फेंक दू? अरे नहीं, अब तुझे कोई नहीं फेंकेगा, बापू ने कह दिया ना। फेंक दू नहीं, थैंक यू, अंग्रेजी में धन्यवाद को थैंक यू कहते हैं। अरे हमसे अंग्रेजी मत बोला कर अंग्रेजी बाबू, हमको समझ में नहीं आता। अच्छा तो काम कर, मैं चलती हूँ। टाइम हो गया, उनको छुट्टी दे दो और मजदूरों में पैसे बांट देना। डेफिनेटली सर। और सुनो, तुलसी को कल के पैसे दे देना। तुलसी को? डेफिनेटली सर। और सुनो, पैसे बराबर बांटना, कल की तरह घपला मत करना, समझे? डेफिनेटली सर। अब क्या है? मैं समझा, आप फिर बुलाएंगे मुझे। जब देखो यूं यूं करता रहता है, चल फट। इधर इधर लाइन में। सब आ गए? सब आ गए जी, सब आ गए जी। सुखी हो जाओ अंगूठा। फकीर चंद। हाजी सर। आगे बढ़ो, अमीर हो जाओ। अरे 5 रुपए में कौन सा अमीर होना है जी, आप लोगों के मुंह नहीं लगते। चलो तू सबको बांट रहा है, मुझे भी देना, जल्दी घर जाना है। अरे क्या नाम है तेरा? लाची। लाची बड़ा अच्छा नाम है, किसने रखा? मेरी चाची ने। वेरी गुड। ये चाची कहाँ रहती है? रांची में। हाउ नाइस, रांची किधर है? सांची के आगे। अरे तेरा नाम क्या है? चट्टूराम बाल ब्रह्मचारी। ये किसने रखा? गोवर्धन गिरधारी। वो कहाँ रहता है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ है? गोदरेज की अलमारी में। चट्टूराम जी जरा जल्दी कीजिए, बताओ यार, लेडीज के मामले में अक्सर देर हो ही जाती है। अच्छा जल्दी दे। हाँ देता हूँ। चले, तेरे नाम पर 4 रुपए लिखे हुए। 4 रुपए क्यों? सबको तो तू 5 रुपए दे रहा है। अब तू 2 घंटे लेट भी तो आई ना। कहाँ, मैं तो सिर्फ 1 ही घंटा लेट थी। सही बात है। हाँ। अरे मैं तेरे को 5 रुपए देता हूँ। हाँ। साफ से निपट लूंगा, एक ही बात है। चले ठीक है, अंगूठा लगा दे। कहाँ? इधर नहीं, नीचे नीचे उधर। तू पकड़ के लगा देना, इतना मैला अंगूठा लगा। तू भी लगा ना। मैं भी लगाऊं? दोनों मिलके लगाते हैं। 1 2 3 अंग्रेजी बाबू, कहाँ जा रहा है? डेरे पर। चल पीछे बैठ, मैं छोड़ देती हूँ। मैं तेरे पीछे बैठू? हाँ। अरे तू पीछे नहीं बैठेगा तो मैं घोड़ा कैसे चलाऊंगी? घोड़ा मैं चलाऊंगा। क्या? जी हाँ। तू चलाएगा? जी। अरे अंग्रेजी बाबू, ये शहरी गधा नहीं है, घोड़ा है। घोड़ा? ओहो घोड़ा है। हाँ। चल उतर तो। अरे काहे को चित करता है, कहीं पटक वटक देगा ना तो खोपड़ी फूट जाएगी। अरे जा जा, बड़ी झांसी रानी बनी फिरती है, उतर। चल उतरती हूँ, देखती हूँ मजा। अब देख मैं कैसे घोड़ा चलाता हूँ, अब चढ़ तो। आप, आपने बुलाया? तुझे किसने बुलाया? चल फोट, चल फोट। घुमा वाला पहले आवाज देते फिर कहते नहीं बुलाया। टू मच डिस्टर्बेंस। अरे तू तो कमाल का घोड़ा चलाता है। वो तो ठीक है, लेकिन तेरा घोड़ा भी कमाल का है। और मैं? अरे अगर तू अच्छी ना होती तो हमारा ये काम ही शुरू ना होता, ना ये गांव बनता। देख अंग्रेजी बाबू, हमारा नया घर सबसे अच्छा बनाना, मैं पहले से कह देती हूँ।
अरे बात तो ऐसी करती है जैसे हमेशा अपने बापू के घर में रहने वाली है। ससुराल नहीं जाएगी क्या? ससुराल जाए मेरी जूती, जिस साले ससुर को जरूरत होगी ना वो मेरे घर आएगा। अच्छा चाय तू पिएगी ना? ये कोई चाय पीने का वक्त है? तेरे पास अंग्रेजी दारू है तो पिला दे। दारू? छी 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 छी, दारू पीती है क्या? तो क्या हुआ, यहाँ तो सब पीते हैं, तू नहीं पीता है? मैं दारू वारू नहीं पीता, कल की छोटी दारू पीती। अरे एक बार पीके तो देख, सुबह तक इतनी अच्छी नींद आती, अच्छा बुरा सपना भी नहीं दिखाई देता। बस 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 बंद कर अपना ये भाषण, मुझे दारू वारू के बारे में ज्यादा तारीफ नहीं सुनना। गुस्सा क्यों करता है? नहीं पिलाना तो मत पिला, कंजूस कहीं का। ए क्या कहा? मक्खी चूस। चर्तू आहिस्ता। डेफिनेटली सर। कहां साहब, उसी तरह हमारा हिंदुस्तानी चीन में कहां? बड़ी बदकिस्मती है साहब कि दुनिया के दो देश आपस में लड़ पड़े, अगर इकट्ठे होते तो ना जाने। सर मैं शक्कर की बात कर रहा हूं। ओ शक्कर। हां वो तो हमारे देश में बहुत है, अभी सरकार ने राशन भी हटा दिया और टस्क भी फ्री कर दिया। अभी लाया, अभी लाया। अंग्रेजी बाबू, अंग्रेजी बाबू देख मैं तेरे लिए बेसन के लड्डू लाई हूँ, घोड़े को भी खिला दिया, अब तू खा ले, बहुत ताकत की चीज है। हाँ साहब बड़ी ताकत की चीज है। मुझे ताकत वाकत नहीं चाहिए, तेरा घोड़ा तो गधा है। साहब घोड़े गधे सभी खा सकते हैं। चढ़ तो आई से गेट आउट। डेफिनेटली सर। आई से गेट आउट। डेफिनेटली सर। गधा कहीं का? क्या तूने मेरे घोड़े को गधा कहा? गधा होगा तेरा बोल। अच्छा नहीं कहूंगी, खा ले फिर। यहाँ रख दे, बाद में खा लूंगा, मुझे काम करना है। काम करना? अरे तू तो कोई जंतर मंतर बना रहा है, किसी का भूत उतारेगा क्या? हाँ तेरा ही भूत उतार रहा हूँ, तू जाती है कि नहीं? तू खाता है कि नहीं? तू यहाँ रख के बाद में खा लूंगा मैं। नहीं मेरे सामने का। तेरी सारी मेहनत बर्बाद कर, निकल जा यहाँ से। मैं तो तेरे लिए लड्डू लाई थी और तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे धक्का दिया, मैं तुझे कच्चे खा जाऊंगी तू देख लेना, नमक मिर्च भी नहीं लगाऊंगी तू देख लेना। बिपती 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 बिपती, हमारे साहब की बात का बुरा नहीं मानना, हमारा साहब दिल का बहुत अच्छा है, वो जरा। तेरा साहब अच्छा है? डेफिनेटली सर। तू भी अच्छा है? डेफिनेटली सर। मैं बुरी हूँ? डेफिनेटली सर। सब सब बको, मर्द को औरत तक कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तुम तो मर्द हो ना? डेफिनेटली सर। गेट आउट। डेफिनेटली सर। पारो क्या हुआ? पारो मारा। कौन मरा? मरा नहीं, मारा। किसने मारा? अंग्रेजी बाबू ने मारा। पर तू उसके पास क्या करने गई थी? मैं लड्डू लेके गई थी, वो भी बूंदी के। फिर उसने क्यों मारा? मैंने उसका कागज फाड़ा। अच्छा तू घर चल, मैं उसका सर फोड़ दूंगा, चल। अच्छा बाबू। अब क्या है? जोर से नहीं फोड़ना, आज तो फोड़ना है। अच्छा अच्छा जा घर जा। हाथ हटाओ ना यार। सॉरी साहब। चट्टूराम साहब, स्त्री के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? साहब स्त्री गर्म ही अच्छी, तो पूरा गधा है। डेफिनेटली सर। अबे मैं इसी स्त्री के बारे में नहीं, नारी के बारे में पूछ रहा हूँ। ओ नारी के बारे में? आप पहले क्यों नहीं बोला साहब? मेरा बाप मेरी माँ को खाना खाते खाते बोला करता था साहब, स्त्री चार प्रकार की होती है, पद्मनी, हस्तनी, शंखनी, भूतनी। मगर साहब आप किस स्त्री के बारे में पूछ रहे हैं? आप ओ साहब मारो मारो, ये पढ़ा तेरा अंग्रेजी बाबू।
ये क्या मजाक है? After all, what is nonsense? चुप बैठ। कहाँ जाता है बाबू? माफी मांग। माफी? माफी किस बात की? मैं कहता हूँ माफी मांग। किससे किससे? पारो से। पारो से? बोल मांगता क्या नहीं? मांगता बाबा मांगता हूँ। क्षमा कर दे देवी चंडी के, क्षमा कर दे। नौ मैं गो ठाकुर छाछा। चुप बैठ। पारो लड्डू लावरे से खिला मेरे साथ। मुझे भूख नहीं है। भूख मैं लगाता हूँ। पारो दारू ला। दारू? आई डोंट ड्रिंक। चुप बैठ। लेकिन मैं पीता ही नहीं, मैंने कभी पी नहीं। मैं चल पी जा। पीता हूँ। पी ले बाबू, पी ले। संतरा की है, घर की बनी हुई। अरे खाऊं क्या करता है, एक घुट पी जा। ठाकुर चाचा वाकई में क्या संतरे हैं। पारो और दे। Now, ladies and gentlemen, I want to give more, more. Your bed. Okay. Don't get angry. अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। चलते बाबू। बाहर का दरवाजा उधर है। I know. मैं तो जरा कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। ओके पूजी पूजी। बाबू। ओके छागरी। बाबू का आज बंद टूट गया। बारिश हो रही है, ऐसे लगता है अंदर कोई नहीं है। चल अंदर चलें। क्यों ठंड लग रही है? यह दारू पे तो नहीं है। अपना घर समझा है क्या? चलो जल्दी से कपड़े उतारो। अरे बाबा गीले कपड़े में ठंड लग जाएगी। कपड़े उतारो, मेरी कमीज पहन लो। दे, जल्दी दे। दारू। ये ले। तू क्या करेगा? मैं ठीक मारूंगा। हो गई, वहाँ पानी थमने का नाम ही नहीं लेता। क्यों अभी ठंड लग रही है? अरे एक चीज नहीं लग रही तो क्या हुआ, दूसरी लग रही है। दूसरी क्या? भूख लग रही है। खैर ये ले सैंडविच। क्या 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 सैंडविच? सैंडविच नहीं सैंडविच। नाम तो सांड जीतता।
और ले ले, काम नहीं चलेगा। अरे और ले लेना। अंग्रेजी बाबू, पेट तो भर गया है, अब सोने का बंदोबस्त कर दे। ए, देख पा रो, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें तो हो गई, अब मेरे पास नींद के लिए कोई गोली नहीं है। अरे गोली को मार, गोली हाथ फैला दे, साथ साथ सो जाएंगे। साथ साथ ले लो, इतनी सी बात तेरे भेज में नहीं आती। देख, जैसे बापू के साथ सोती हूँ ना, वैसे तेरे साथ सो जाऊंगी। अरे पगली, शादी से पहले किसी भी लड़की को पराए आदमी के साथ नहीं सोना चाहिए, यहाँ तक कि छूना भी नहीं चाहिए। क्यों, क्या होता है छूने से? पाप होता है। ए, ये पाप क्या होता है? ओहो, कैसे समझाऊं, कुछ होता है। अरे ठहर ना, मुझे देखने तो दो, क्या होता है? ठीक है बाबू, कुछ कुछ होता है, तुझे कुछ नहीं होता। एक बार फिर देखती हूँ।
कहाँ थी रात भर? तो अंग्रेजी बाबू को लगी थी ना मंदिर वगैरह दिखाने के लिए। रास्ते में इतनी जोर का तूफान आया बापू, ये तो अच्छा हुआ उस पहाड़ी के पीछे टूटी फूटी झोपड़ी मिल गई, तूफान थमा ही नहीं, हम दोनों वहीं सो गए। इतनी बड़ी हो गई अभी तक अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं जानती, नहीं पराए मर्द के साथ सोना पाप होता है। अंग्रेजी बाबू भी तो यही कहता था। क्या कहता था? कहता था शादी से पहले सास का सोना तो क्या क्यों ना भी पाप होता है। क्या अंग्रेजी बाबू ऐसा कहता था? इसलिए तो वो उधर सोए रहा, मैं इधर सोई रही। मुझसे कुछ भूल हुई है बाबू? नहीं बेटी, भूल तो मुझसे हुई है, मत मत रो, तू नहीं जानती कलेजे का टुकड़ा जवान होकर कलेजे का बोझ भी बन जाता है। मैं रात भर तेरे लिए परेशान रहा, तूफान बारिश में तुझे कहां कहां ढूंढता फिरा, तेरी फिक्र में मैंने खाना भी नहीं खाया। तुमने खाना नहीं खाया? मैं अभी रोटी से खिलाती हूँ, अभी लाती हूँ बाबू। ए, सीटी बजाकर काहे को बुलाता है रे? नाम क्यों नहीं लेता? मेरा नाम लाची है, लाची। लाची? हाँ। छोटी के बड़ी? क्या मतलब? मतलब छोटी ठंडी होती है, बड़ी गर्म। तो फिर बड़ी ही समझ ले, बोल काहे को बुलाया था? देख आज मैं बाई चांस बाहर भाजी काट रहा हूँ, बाई चांस शाह भी बाहर गए और बाई चांस तू भी दस्ते जा रही थी, बाई चांस दोनों मिलकर भाजी बनाएंगे और बाई चांस दोनों मिलकर प्यार से खाएंगे। ये तो भाईजान भाईजान क्या कर रहा है? भाईजान नहीं बाई चांस अंग्रेजी लफ्ज है, इंग्लिश वर्ड नहीं समझी? नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ, देख चड़तू। ए चड़तू। यस सर। मुझे छोड़ तू। क्या सोच रहा है? मैं सोच नहीं रहा, देख रहा हूँ अपने ब्रह्मचारी आश्रम का फाटक उड़ गया। ये तो भाईजान बाल ब्रह्मचारी कैसे है? फिर भाईजान बाई चांस कितनी मरतबा बोला? हाँ बाबा वही मतलब, मगर बता तू ब्रह्मचारी कैसे है? लाची ये मुसीबत हमारे खानदान में 1857 से चली आ रही है, मैं अकेला ही ब्रह्मचारी नहीं, मेरा बाप भी ब्रह्मचारी। हाँ? मेरे बाप का बाप भी ब्रह्मचारी। हाँ? मेरे बाप का बाप का बाप का बाप भी ब्रह्मचारी। तो फिर तू कहाँ से आ गया? मैं अड्डा पेटेड लड़का हूँ। हाय दैया, तो क्या तू शादी से पहले पैदा हो गया था? शाइस्ता बोल, शादी से पहले इतना होता है और ये अड्डा पेटेड दूसरा, नहीं समझी? नहीं समझी। मैं तुम्हें समझाता हूँ, फर्ज करो तेरी शादी को 8-9 साल हो गए, तूने बड़ी कोशिश की, तेरे कोई बच्चा नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। तूने मजबूर होकर मुझे गोद ले लिया, तुझे मिसाल के तौर पर। हाँ। अपना दूध पिला पिला कर बड़ा किया। मैं जब भी कभी रातों को रोता तो तू कभी लोरी गागा कर सुलाती, तो कभी मेरे मुंह में रबड़ की चूसनी देती, मिसाल के तौर पर। इस तरह तूने पूरी ममता से मुझे हमेशा अपने कलेजे से लगाए रखा। मगर तू कले क्यों लग रहा है? मिसाल के तौर पर जी, मिसाल के तौर पर। लची मरे गए, बाई चांस शाह आ गए, अपना चांस गया, तू जाए। चड़तू। हाँ। अगर कल मैं काम पे नहीं आऊँ तो तू मेरी मजूरी तो नहीं काटेगा ना? मिलने का वादा कर, फिर मैं नहीं काटूंगा। वादा करना। करती हूँ। लची क्या है? एक बार फिर करना। ब्रह्मचारी चड़तू। यस सर। चाय तैयार है? साहब मैंने भाजी भाजी काट दी है, खाना पका के अपना खा लेना, मेरे लिए रख देना, दूध गर्म करके पी लेना, मेरा ढक के रख देना, आपका बिस्तरा करके जा रहा हूँ, मेरा बिस्तरा कर देना, मेरी आधे दिन की छुट्टी है, बाय, गुड डे। लची लची मैं बच्चे की तरह रो रही है, अरे हिम्मत से काम ले। लाची।
जाओ अभी, उठ जाओ, चलो पारो पारो पारो। अरे मुसीबत है। नहीं, मैं कान पकड़ती हूँ। ऐसे नहीं, इस तरह पकड़ लिया। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ और मैं किसी लड़के को नहीं मारूंगी। तू जिसके चाहे पांव दबा लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे अरे अरे, रोने की क्या बात है? अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं। क्यों नहीं करता? अच्छा अभी करता हूँ, पहले आपसे पूछ ले। बात कर, अभी करता हूँ। अरे पारो, तेरे घर में कौवे तो आते होंगे? कौवे? अरे बहुत आते हैं। सफेद आते हैं या काले? काले आते हैं। अच्छा, उनकी कितनी चोंच होती है? उनकी एक चोंच होती है। और गाना कैसे गाते हैं? क्या 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 लगा रखी है? कोई अच्छी बात नहीं कर सकता? अच्छी बात तो कर। बाबू कौन? अंदर आओ। ठाकुर चाचा आप, और इतनी रात को? उजाला मांगने आया था, दिन भर सोचता रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसी कौन सी बात है? आई, अंदर आई ना, बैठिए ठाकुर चाचा।
बाबू, पार्वती को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है, मेरा सब कुछ वही है, लेकिन दिल की नदी पर बाढ़ नहीं बांधी जाती, और मैं जानता हूं कि तुमने उसका बहाव मोड़ दिया है। मैं अपनी अमानत तुम्हें सौंप दूंगा, मगर बाबू मेरी एक विनती है, उसे कभी दुख न देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप ठाकुर चाचा? हर बाप ऐसी ही बात करता है, और फिर मैं तो एक अजीब बाप हूं। अजीब बाप? हाँ बाबू, मैं धोखा खाना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें भी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं पाप जरूर हूं, लेकिन पार्वती मेरी बेटी नहीं। पार्वती आपकी बेटी नहीं? नहीं, आज से 25 साल पहले की बात है, मेरे दुश्मन रिश्तेदारों ने मेरी जायदाद हासिल करने के लिए बिन मां की मेरी अकलौती बच्ची को रास्ते से हटा दिया। उसका बदला लेने के लिए मैंने उनमें से एक का खून कर दिया। मुझे 7 साल की सजा हुई, लेकिन यह सजा भी मेरी नफरत की आग को ठंडा ना कर सकी। जेल से निकलने के बाद अपने बदले की प्यास को बुझाने के लिए मैं बाकी के दुश्मनों को ढूंढता फिरता था। एक रात गुजारने के लिए मैं यहीं पचकुई के डाक बंगले में आया, जहां पहले से एक मां बाप अपनी बच्ची के साथ ठहरे हुए थे। उनसे आज्ञा लेकर मैं बाहर बरामदे में सो गया। रात को अचानक जिस नदी पर तुम बंद बांधने आए हो उसमें भयानक बाढ़ आ गई, जिसने सारे इलाके को उलट पलट के रख दिया, हर जगह तबाही मचा दी। डाक बंगला बह गया, हम बह गए, और वो मां बाप भी बह गए, लेकिन तूफानी लहरों ने उनकी बच्ची को मेरी गोद में डाल दिया। मासूम बच्ची मेरे गले से लिपट गई, और मैं उसे लेकर रात भर एक दरख्त पर बैठा रहा। सुबह तूफान खत्म हुआ, लेकिन मां बाप की लाश तक भी ना मिली। मैं इस संकट में पड़ गया कि बच्ची का क्या करूं। आखिर मेरी आत्मा ने तो कहा कि तुम्हारी अपनी बच्ची के बदले में भगवान ने तुम्हें यह बच्ची दी है, क्यों ना इसे पाल पोस कर बड़ा करो। आहिस्ता आहिस्ता इस बच्ची के प्यार ने मेरी नफरत की आग भी बुझा दी, और मैंने हमेशा हमेशा के लिए बंदूक हाथ से रख दी, और वो बच्ची यही है मेरी पार्वती। ये तो पार्वती की खुशकिस्मत ही ठाकुर चाचा कि उसे आप जैसा बाप मिला। नहीं बाबू, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे पार्वती जैसी बेटी मिली। लेकिन मैं सोचता हूं जब उसे इस राज का पता लगेगा तो उस पर क्या बीतेगी। तो क्या उसे अब तक मालूम नहीं? बापू, पारो तू? मैंने सब सुन लिया है बापू, मुझे सब कुछ पता चल गया है। पता चल गया ना, मैं तेरा कोई नहीं। नहीं बापू, नहीं, तुम ही मेरा सब कुछ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सगा नहीं, कोई अपना नहीं बच्ची। आओ, मैं तुम्हें पहले प्यार ही करती थी, अब भगवान समझकर तुम्हारी पूजा करूंगी बापू। रोने, आज पहली बार मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रही हूं बापू। हाँ बेटी, ये गरीब आदमी अपने जवाई को इससे बड़ा शगुन और क्या दे सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पार्वती की खुशी मेरी खुशी होगी। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे, सदा सुखी रहो। आज आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैं धन्य हो गया, धन्य। दोस्तों, सफर हमने अकेले शुरू किया था,
बड़ी योजना लेकर चले थे और पता नहीं था कि हम अपनी मंजिल तक किस तरह पहुंचेंगे, लेकिन साथी मिलते गए और हम आगे बढ़ते गए और आज वो शुभ घड़ी आई है कि आप अपने अपने नए घरों में प्रवेश करेंगे और इस गांव का नाम हमारे इंजीनियर मिस्टर राकेश की मर्जी से पर्वतीग्राम रखा गया है। और अगर आप लोगों ने इसी तरह हमारा साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हम पार्वती डैम का उद्घाटन भी इसी शान से करें। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और ठाकुर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने शुभ हाथों से इस गांव का उद्घाटन करें। चाचा जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, ये शुभ काम तो आपके ही हाथों से होना चाहिए। जैसा तुमको। आइए आइए।
अरे पगली रो क्यों रही है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जाते, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कैसे ले जाऊं, मैं वहां जाकर एक जगह थोड़ी ठहरूंगा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पांव से थोड़ी चलूंगी। तुम समझते क्यों नहीं, मुझे लोहा सीमेंट खरीदने के लिए कहां कहां जाना पड़ेगा, और तुम तो जानती हो मैं खुद ही जाना नहीं चाहता। लेकिन ये रोटी रोजी देने वाले प्यार का ख्याल थोड़ी करते हैं। लो बुलावा आ गया, अब मुझे चलना चाहिए। रोना बंद करो। तंबाकू अपने हाथ से ही बनाता हूँ, बड़े जानकार है तंबाकू के बारे में। थोड़ा मैं बना के भेजूंगा आपको। अच्छा ठाकुर चाचा आज्ञा दीजिए। जीते रहो बेटा। जरा पारो को समझा दीजिएगा, बहुत रो रही है। राकेश बेटा तुम नदियों की बाढ़ रोक सकते हो, लेकिन औरत के आंसू पे बंद नहीं बांध सकते। आओ चले। अच्छा नमस्ते। अच्छा राकेश चल बेटे। दूर हुई आहे, दूर हुई दूरिया, दूर हुई दूरिया अब राजा। अबे अब क्या हुआ, क्या कहा, क्या नहा रही है, कौन, अरे कहाँ, किधर, अरे थैंक यू मेरे यार। यार कभी बाल भी कटवा लिया करो, इतवार को याद करवाना। तू जा है, मैं भी आया है, आता हूँ। लची तू क्या नाची, ऐसी नाची दूसरी कोई लड़की ना नाची। अच्छा तो ये कहने के लिए तू यहाँ आया पानी में। डेफिनेटली। लची मुझे अपने प्यारे गधे की कसम, अगर तू मेरा घर बसा दे ना तो उस घर में मैं अकेला गधा ही नहीं, तुम्हें एक गधे के छोटे 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 बच्चे भी नजर आएंगे। वो कैसे? हाँ समझ में आया। ए चलती हूँ। हाँ? एक काम करना। बोलना। आज शाम को तुम मेरे घर आना। घर? क्यों क्यों क्यों? मेरी माँ तुझसे मिलना चाहती है। माँ 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 लची मैं तुम्हें साफ साफ कह दूँ, जो बाप तुझमे है ना वो तेरी माँ में नहीं है। मैं यहाँ हूँ। हाँ? माँ से कहना हाँ? मैं राइट टाइम पर आ जाऊंगा। आ जाएगा ना? डेफिनेटली जरूर आना। मैं जाता हूँ। हाँ, जा। मैं आ जाऊंगा। हाँ? राइट टाइम पर। हाँ? राइट टाइम पर। आपने तो शादी की पूरी तैयारी कर दी और वो भी थोड़े समय में। ये कौन है? आओ चतुराम आओ। ये क्या कर रहे हो पिताजी? आपके पाँव कहाँ है? पाँव तो मैंने भी नहीं देखे बेटा, पहली बार मेरे घर आए हो। चल तू बेटा आओ बैठो। हाँ बैठू, एक गधा तो पहले बैठा हुआ है। गधा गधा बात तू, तेरा बाप। अबे पिताजी को कह रहा है, आपस का मामला है। कोई बात नहीं, सड़क में बैठ। ये बताइए पिताजी, रिश्ते के लिए आपने मुझे बुलाया, फिर ये गधा कौन है? रिश्ता तो तुम्हारे साथ भी होगा चतुराम। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत पिताजी। पार्टनरशिप में न ब्रह्मचारी चल सकता है न टूट सकता है, एक म्यान में दो गधे नहीं समा सकते। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। तो नहीं एक ही बेटा। लाची बेटी पूजा की थाली ले आओ। प्लीज हरी अप। मैं जिंदगी भर तरसता रहा भाई के लिए, बेटे के लिए। आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। डेफिनेटली। आओ बेटी चतु को टीका लगाओ। टीका काहे का? रिश्ते का। भाई जान। भाई जान नहीं, बाई चांस, बाई चांस। आज बाई चांस तेरा मेरा रिश्ता हो रहा है। हाँ भाई जान राखी बनवा लीजिए। राखी नहीं, मैं बांधूंगा राखी, मैं बांधूंगा। ये धोखा है, ये फरेब है। बांध लो बेटा। तुम्हें इसीलिए बुलाया था बेटा, राखी बनवा लो। क्या बुलाया था, होने वाले पति को भाई बना रहे हो तुम? साले साहब बांधने दीजिए ने। यार तुम्हें मेरी चलती नहीं पता, मेरा उसका कई तरह से चलना। आइए आइए। हेलो आई एम राकेश फ्रॉम यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन। Glad to meet you. Please sit down. Thank you. मैं सीमेंट सप्लाई की पोजीशन जानने के लिए आया हूँ। क्या डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है? जी हाँ, इनिशियल वर्क शुरू हो गया है। ओह, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप लोग इस डैम का नाम पार्वती डैम क्यों रख रहे हैं? क्या नदी का नाम पार्वती है या फिर किसी लड़की के नाम पर?
जी हाँ, हम एक लड़की के नाम पर इस डैम का नाम पार्वती डैम रख रहे हैं। अगर वो लड़की ना होती तो हमारा ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ना होता। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो लड़की कौन है? उसकी कहानी बड़ी अजीब सी है सेठ जी। वो एक ठाकुर शिव प्रसाद सिंह की लड़की है जिनकी सारे गांव पर हुकूमत है, लेकिन असल में वो उनकी लड़की भी नहीं। वो कैसे? परसों पहले की बात है, ठाकुर किसी काम से पचकोई आए थे। कहाँ? पचकोई। उसी दिन एक माँ बाप अपनी छोटी बच्ची के साथ पचकोई के डाक बंगले में ठहरे हुए थे। डाक बंगले में? जी हाँ, उसी रात अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ जिसने सारे इलाके को तहस नहस कर दिया। माँ बाप बह गए लेकिन वो बच्ची बच गई, ठाकुर ने उसे बचा लिया। कितने साल हुए इस बात को? अब वो लड़की कितने बरस की है? तकरीबन 18 साल हो गए और लड़की उस वक्त 2-3 साल की होगी। 2-3 साल बचकोई, बाढ़, माँ बाप बह गए, बच्ची बच गई। कहीं वो तो नहीं, वो तो नहीं है? मन ही मन मुस्कुरा रही है। अरे जरा जोर से तो पढ़कर सुना, क्या लिखा है तेरे अंग्रेजी बाबू ने? मुझसे नहीं पढ़ा जाए। क्यों, अंग्रेजी में लिखा है क्या बापू? अरे जरा सुना ना। अच्छा सुनाती हूँ। तुमको नमस्ते लिखा है। हाँ। लिखा है जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ। बाकी सब खैरियत है। इतनी लंबी चिट्ठी में सिर्फ खैरियत ही लिखी है? ठीक है ठीक है, ससुराल जाकर तू भी इतनी लंबी चिट्ठी में सिर्फ खैरियत ही लिखा करना है। मैं क्यों जाने लगी? मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हर बेटी यही कहती है, लेकिन ले जाने वाला तो साथ लेकर ही जाता है। ठाकुर चाचा, कोई आदमी आपसे मिलने आया है। कौन है? शहर का कोई सेठ लगता है। अच्छा तू चल, मैं आता हूँ। कमाल है, शहर का सेठ और मुझ गरीब के घर। नमस्ते। नमस्ते। आप? आप मुझे नहीं जानते, मैं राम प्रसाद हूँ। आपकी महानता के चर्चे सुने तो दर्शनों के लिए चला आया। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ सेठ जी। बैठिए, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप इन्हें पहचानते हैं? ये जवान माँ बाप, ये मासूम बच्ची, ये मेरे डूबे हुए मोती हैं। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। वाह वाह ठाकुर, बेटी की ममता जुबान पर इंकार ला रही है लेकिन इंसानियत चेहरे पर सच्चाई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? इस बात की कि मेरी पोती ही आपकी पार्वती है। ठाकुर, 18 साल से मैं अपने बच्चों की याद में आंसू बहा रहा हूं। अब मेरा बुढ़ापा जिंदगी की उस मंजिल के करीब पहुंच गया है जहां अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे लाखों की जायदाद की अकेली वारिस क्या पार्वती नहीं है? किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं ठाकुर? सेठ जी, आपका शुक्रिया भी सच की तरह बहुत कड़वा है। मैं आज तक किसी बाढ़ किसी तूफान से नहीं डरा, लेकिन इस ठहरे हुए पानी से हमेशा डरता रहा। यह सोचकर मेरा दिल बार बार कांप उठता था कि पारों का कोई हकदार ना आ जाए। मैं आपके प्यार की गहराई को समझता हूं ठाकुर, लेकिन लेकिन मैं भी न जाने आंसुओं की कितनी नदियां पार करके आया हूं ठाकुर। कहां है मेरी पार्वती? आप उसे लेने आए हैं? नहीं 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 नहीं, मैं उसे ले जाने वाला कौन हूं ठाकुर? मैं तो उसे अपना सब कुछ देने आया हूं। आपने उसे पाला है, वो आपकी बेटी है ठाकुर।
आपकी उदारता आपको भी साफ साफ बोलने नहीं दे रही सेठ जी। जबान पर इंकार लेकिन चेहरे पर सच्चाई। पर अपने जिगर के टुकड़े को अलग करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इसकी बात यहां के एक इंजीनियर से पक्की कर चुका हूं। दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं। मैं उसे अपना जवाई मान चुका हूं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, चिंता से पहले मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे वचन दीजिए ठाकुर कि कन्यादान आप ही करेंगे। भगवान मालिक है। पारो पारो। सेठ जी ये है आपकी पार्वती। पार्वती मेरी बच्ची। बापू ये कौन है? ये तेरे दादाजी हैं। मेरे दादाजी? हाँ बेटी, ये तुझे लेने आए हैं। मुझे लेने आए हैं? क्यों? इनका तो मुझ पर कोई हक नहीं। बापू तुम इन्हें कह दो यहां से चले जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। पगली क्यों झूठ बोल रही है? एक ना एक दिन तो तुझे रुखसत होना ही है। आज मैं इस झोपड़ी से तुझे विदा कर रहा हूं, कल तेरे दादाजी तुझे महल से विदा करेंगे। बात तो एक ही है, जा बेटी जा, जा इनके साथ चली जा। बापू बापू क्या तुम्हारी पारो तुम पर इतनी बोझ बन गई है कि उसे दूर फेंक देना चाहते हो? 18 साल जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा बनी रही, आज आज पल भर में पराई हो गई है बापू। पारो बेटी तो होती ही पराई है बेटी। एक दिन तुझे ससुराल जाना है, अपने अंग्रेजी बापू के पास। उस नए जीवन के लिए तुझे शहर का रंग ढंग सीखना है, और वो तो सिर्फ अपने दादाजी के घर में सीख सकती है, इस गरीब बाप की झोपड़ी में नहीं। ऐसा मत कहो बापू, ऐसा मत कहो, मुझे इस घर से मत निकालो बापू, मत निकालो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतना करो बेटी, एक गरीब बाप की मुश्किल भी समझ। मैं अपने जवाई को एक गवार बेटी कैसे दे सकता हूँ? जा बेटी जा, जैसे आज तक मेरी हर बात मानती आई है वैसे ही अपने दादाजी की आज्ञा का पालन करना। ठीक है बापू, तुमने फैसला कर लिया है ना, मैं चली जाती हूँ, फिर अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं बोझ बन गई हूँ ना बापू, मैं चली जाती हूँ। हाँ मैं चली जाती हूँ चाची, मैं जा रही हूँ चाची, भूलो तो माफ कर देना। लाचो लाचो मैं जा रही हूँ, तू मेरे बापू का ख्याल रखना। अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा मारो बेटी, घर छोड़ने से पहले बाप तुझसे नहीं मिलोगी। मारो बस बस बेटा बस 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 तुम मुझसे मिलने आओगे ना? जान पर खेल कर आऊंगा, भगवान तेरे साथ रहे। आवे, जा, जा, जा।
आधा कपड़ा भी नहीं पहनती और साड़ी बोलती है। क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, इसका कपड़ा फट गया है। दादाजी ये हप्पू कौन है? ये तुम्हारी गवर्नेस है बेटी। कौन सी नर्स? गवर्नेस। गॉड हेल्प मी, ये तो बहुत मोटी नस है, एकदम भैंस। ये तुम्हारी गवर्नेस है, ये तुम्हें रहन सहन, तौर तरीका, बातचीत करने का ढंग सिखाएगी। मिसेस परेरा, यस, ये मेरी पोती पार्वती देवी है। हेलो। ओह नो। मिसेस परेरा, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। इस बात का ख्याल रहे कि मुझे किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। डोंट वरी सर, हम इसको एकदम स्मार्ट बना देगा। गुड। एक्सक्यूज मी सर, माय लवली ड्रेस। इन्हें ऊपर ले जाओ। जाओ बेटी। सॉरी भैया।
भले दुनिया भर की सब बुराइयां मुझ में हो, भलाई यही है कि ताश निकलता। भांजे तुम्हारी भलाई अपना टाइम बर्बाद कर रही। 6:15 बज गए, अभी तक सेठ राम प्रसाद जी नहीं आए। क्या चीज है? कौन क्या चीज है? ये हमारे क्लब का कार्ड रूम है। तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी शामी नहीं काट लिया करता था। आइए आइए सेठ राम प्रसाद जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। नहीं भाई, आज मैं नहीं खेलूंगा। आज तो मेरा यहाँ आने का इरादा भी नहीं था, इन्हें शहर घुमाने ले गया था, सोचा क्लब भी दिखाता ले चलूं। आप कौन है? यह है मेरी पोती पार्वती। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छी, क्या कहें। लेकिन सेठ जी आप क्यों तकलीफ करते हैं? नरेश इन्हें क्लब दिखा देगा। भाजे ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं बेटा, तुम तकलीफ क्यों करते? जी नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं, आप ही का बच्चा हूँ। हाँ हाँ भाजे ले जाओ, सेठ जी हमारे साथ ताश खेलेंगे। अच्छा बेटा तुम क्लब देखाओ, मैं यहीं मिलूंगा। बड़ी मुश्किल से माने। क्या बात है भांजे, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ मामा, नींद किसी ने चुरा ली है। किसने चुरा ली है? पार्वती की खूबसूरती ने। पहली ही मुलाकात में दिल का चैन खो बैठा हूँ। समझा मामा। तुम मां से कह के मेरा ये चक्कर चला दो ना, जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा। भांजे तुम्हारा ये चक्कर चलाना ही होगा, पार्वती के साथ लाखों की जायदाद भी तो है। कल सेठ राम प्रसाद जी ने पार्टी पर तो बुलाई है। हाँ हाँ। बस तुम पार्वती पर अपना रंग जमा लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप लोगों को तो मालूम ही है कि मैं दुनिया में अकेला जी रहा था। समझता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मुझे मेरा सब कुछ लौटा दिया है। ये है मेरे बेटे लक्ष्मी शंकर की निशानी, मेरी पार्वती। बेबी इनसे मिलो, ये है कुंवर गुरनाम सिंह। कॉलेज में लोग मुझे राजेश खन्ना कहते हैं, इंडिया टॉप मोस्ट एक्टर। कौन सा टमाटर? मटर 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 नहीं, टॉप मोस्ट एक्टर। आपने मेरी फिल्म हाथी मेरा साथी तो देखी होगी। हम देख। हाथी मेरा साथी। ओ, हाथी तो मेरा साथी है ही। चल चल मेरे हाथी। नो बेबी, ये है मिस्टर खोटूमल छोटूमल मोटूमल मच्छरदानी। ये क्या करते हैं? इनसे पूछो। अरे बड़ी चर्स हम पीता है, गांजा हम पीता, और गांजे के साथ साथ में पापर का धंधा अपना, रगड़ा का धंधा अपना, और साथ में बढ़िया का धंधा भी अपना। हाँ साइंस गाल बुध, सिनेमा अपना, होटल अपना, डिस्ट्रीब्यूशन अपना। बड़ी कभी हमारे ऑफिस में आओ नी, मस्त हो जाएगा नी। वेरी ग्लैड टू मीट यू। चुमने की जगह चुमता नहीं, हाथ चुमता है, बेकार थूक लगा दिया। अच्छा चुम चुम। हेलो मिस पार्वती। हेलो। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे आने से खुश हो ना? वेरी खुश, सिवाय तुम्हारे यहाँ सब अनजाने हैं। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारे ये होंठ, ये रुखसार, ये चेहरा। बनाने वाले ने बड़े शौक से बनाया तुम्हें, और आंखें तो ऐसी हैं इनमें डूब जाने को जी चाहता है। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी है नरेश बाबू, जी चाहता है सुनते ही रहूं। सच पार्वती? हाँ। अंग्रेजी बाबू, अंग्रेजी बाबू, अंग्रेजी बाबू, क्या तुम्हें बाबू ने भेजा है? लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं, ये मेरे दादाजी का घर है, तुम्हारे चले जाने के बाद दादाजी मुझे यहाँ ले आए, बापू की मर्जी से आई हूँ। कमाल है, तुम तो बिल्कुल सोसाइटी का मालूम होती हो। ये अंग्रेजी बाबू, यहाँ आकर मैं भी अंग्रेजन बन गई हूँ। इफ नॉट बट आई लव यू, यू लव मी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गो टू हेल, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नरेश, नरेश कैसा है रे तू? माँ कैसी है?
चलो ना तुम्हें दादाजी से मिला दूं। दादाजी, दादाजी, अंग्रेजी बाबू। मैं जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। नमस्ते जी। जीते रहो बेटा, फलो फूलो। सेठ जी, बरसों बाद आपके घर में पार्टी हो रही है, लेकिन बड़ी फीकी फीकी सी। भाई अभी रौनक हो जाएगी, म्यूजिक शुरू होने दो, सब लोग नाचे गाएंगे। जी यूं नहीं, वेस्टर्न डांस तो हमने बहुत देखा है, लेकिन जो नाचो गाना हमने आपकी पोती का देखा है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो फिर हम भी देखें। नहीं दादाजी, मैं नहीं नाचूंगी। आप हमें एक अच्छी आइटम से क्यों महरूम कर रही है? प्लीज नाचिए ना। हाँ हाँ, हम भी देखेंगे प्लीज। दादाजी मुझे शर्म आती है। आप सब लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, जब अंग्रेजी बाबू कहेंगे तो ये नाचेंगी गाएंगी। सब लोग कहते हैं तो गाओ ना। तुम भी चाहते हो ना?
जीती रहो बेटी, जीती रहो। बेटी तुमने तो कमाल कर दिया, कितना अच्छा गाती हो और कितना अच्छा नाचती हो। राकेश बेटा, मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, ताकि मेरी चिंता दूर हो। क्या ख्याल है अंग्रेजी बाबू? हाँ दादाजी, इसके लिए मुझे माँ का आशीर्वाद चाहिए। मैं कल ही उन्हें लेकर यहाँ हाजिर हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। खाना लग गया। हाँ चलिए, आप लोग चलिए। आओ बेटा चलिए। क्या हुआ इसे? इसने तो शराब पी रखी है। भैया तुम तो हमें, अरे शुक्र करो बहन के जहर नहीं पिया, नहीं तो आज खत्म हो जाता। रामू जी ले जाए इसे। बहुत अच्छा। कच्ची उम्र के बच्चे बात के सच्चे होते हैं, प्यार में आए दिन खुदकुशी करते रहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि सेठ राम प्रसाद की पोती पार्वती से अपने बच्चे को प्यार हो गया और वो भी इसको चाहती है। इतना बड़ा रिश्ता था, लेकिन लेकिन क्या, तुम्हारे बड़े लाडले वहां भी पहुंच गए। इतनी बड़ी जायदाद देखकर आंखें चुदिहा गई, लड़की देखकर नीयत खराब हो गई। इतना ना सोचा कि छोटे भाई से प्यार चल रहा, चलती गाड़ी में रोड़ा अटका दिया। राकेश इतना गिर गया है? हाँ बहन, वो तो नरेश की जिंदगी से खेल रहा है। काश मैं पहले ही तुम्हारी बात का इतबार कर लेती। भैया ठीक है, अगर वो एक माँ के दिल का इम्तिहान लेना चाहता है तो देख लेगा बेटे के लिए माँ क्या कुछ कर सकती है। माँ सब कुछ कर सकती है, इसलिए तो आज तुम्हारे चरणों में आया हूँ। माँ कौन सी गर्ज लेकर आए हो माँ के पास? अपनी ही गर्ज लेकर आया हूँ, किसी को आशीर्वाद देने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आशीर्वाद देने से पहले माँ भी तुमसे अपना हक मांगना चाहती है। जन्म नहीं दिया लेकिन तुम्हें पाला जरूर है। बताओ माँ को उसका हक दे सकोगे? मैं नहीं जानता मुझे किसने जन्म दिया, मेरे लिए तो तुम ही मेरी माँ हो, हुक्म दो। लेकिन मैं आज तुमसे एक ऐसी चीज मांग रही हूं जिसे आदमी आसानी से नहीं दे सकता। बोलो है इतनी हिम्मत? हिम्मत? हिम्मत का कोई सवाल नहीं माँ, तुम्हारे हुक्म पर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तो इधर आओ। तुम्हें याद है तुमने इनके सामने वचन दिया था कि माँ की हर आज्ञा का पालन करोगे? याद है माँ, कह के तो देखो। मैं इन्हीं के सामने तुमसे नरेश के दिल की खुशी मांगती हूं। मां की आज्ञा यही है कि पार्वती की जिंदगी से हट जाओ ताकि उसकी शादी नरेश से हो सके। नहीं मां, ये क्या मांगनी चाहती है? क्यों पांव डगमगा गए? हिम्मत जवाब दे गई। ठीक है तो बाप से कह दो कि तुम अपना वचन भूल गए। नहीं मां नहीं, इस पवित्र आत्मा की कसम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। मां तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आप किससे मिलना चाहती हैं? मैं आप ही से मिलने आई हूं। सुना है आप अपनी पोती की शादी राकेश बाबू से करना चाहते हैं। ठीक सुना है आपने, लेकिन आप मुझ गरीब का सुहाग क्यों छीन रहे हैं? क्या मतलब? डेढ़ बरस पहले लंदन में राकेश की शादी मुझसे हो चुकी है। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हेलो पारस, नमस्ते। अनीता तुम? हाँ। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अपना सुहाग बचाने। एक पत्नी के होते हो आप दूसरी शादी कैसे कर रहे हैं? अंग्रेजी बाबू, अंग्रेजी बाबू, ये औरत क्या कह रही है अंग्रेजी बाबू? चली जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ। क्यों मेरी दुनिया बर्बाद करके आप इस भोली वाली लड़की की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? राकेश जी मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या ये सब कुछ सच है? कह दीजिए मेरा आपका कोई संबंध नहीं, आप मेरे पति नहीं। अंग्रेजी बाबू कह दो नहीं ये सब झूठ है,
तुम बोलते क्यों नहीं? ये अब क्या बोलेंगे? इतने बड़े सच को झुठलाना इनके बस की बात नहीं। इस मासूम की जिंदगी पर तो रहम खाओ, इस घर की इज्जत से तो मत खेलो। अरे तो मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, वरना वरना आपका हाथ मुझ पर उठ जाएगा, यही ना? भगवान ना करे जो हाल मेरा हुआ वही हाल आपकी पोती का भी हो। कमीने धोखेबाज, कल तक तुम क्या थे और आज तुम क्या दिखाई दे रहे हो? मैं नहीं जानता था दादाजी कि गुजरो ही कल की अर्थी मुझे आज उठानी पड़ेगी। पारो, मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूं। अंग्रेजी बाबू, तुमने बाबू को वचन दिया था ना कि पारो को कभी धोखा नहीं दोगी, लेकिन लेकिन तुमने सबको धोखा दिया है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। तो मैं तुम्हें पूरे दिन देखना चाहती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम चली जाओ, चली जाओ। दादाजी, रो नहीं बेटी, भगवान इस औरत का भला करे जिसने हमारी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। थैंक यू अनीता जी, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी रही। ये रही आपकी फीस। टैक्सी। मैं आपके स्वर्गवासी पति को अच्छी तरह जानता था, बड़े ही नेक इंसान थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ऐसे देवता स्वरूप बाप का बेटा इतना नीच भी हो सकता है। उसकी बात छोड़ी सेठ जी, अगर वो अच्छा होता तो उसे घर से ही क्यों निकालती? खैर जो हुआ उसे हम सबके लिए भूल जाना ही अच्छा है। सेठ जी, मैं पार्वती को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। आप तो जानती ही हैं कि पार्वती के दिल का जख्म अभी ताजा है, घाव भरने में देर लगेगी। वैसे मुझे नरेश से अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बहन तुम भी लो, आज अगर जीजा जी होते तो कितना खुश होते। चेयर्स मामा। चेयर्स भांजे। एक्सक्यूज़ मामा। तुम यहाँ कैसे आ पहुंची? क्या करती, कई बार फोन किया लेकिन तुम्हारा कहीं पता ना चला। इधर बहुत दिनों से तुम घर पे भी नहीं आए, न जाने आजकल मुझसे इतने कटे कटे क्यों रहने लगे हो। नहीं नहीं सीमा, ऐसी तो कोई बात नहीं, आओ यहाँ बैठे, आओ बैठो। बोलो क्या पी होगी, कोका कोला? नहीं कुछ नहीं। अच्छा बताओ बात क्या है? बात बहुत दूर तक पहुंच गई है नरेश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? मजाक मत करो सीमा। तुम समझते हो तुम्हें ढूंढते हुए क्लब में मैं तुमसे मजाक करने आई हूँ? अब बहुत जल्द हमारी शादी हो जानी चाहिए नरेश। इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम्हारे आने से पहले मामा जी से मैं यही बात कर रहा था। शादी से पहले अगर दुनिया को कहीं पता चल गया मैं तो जहर खा ही लूंगी, बाबूजी भी शर्म बदनामी की वजह से। इसकी नौबत नहीं आई, तुमने आज मुझे बताया है, दो दिन का टाइम तो दो। मैं वादा करता हूँ सीमा, इसी हफ्ते हमारी शादी हो जाएगी। मुझे धोखा तो नहीं दोगे नरेश? अभी अभी वादा किया ना तुमसे, जाओ घर जाओ, जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। बाबा सीमा। मामा जी गजब हो गया, एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई। मैं सब समझ गया भांजे, तुमसे वही गलती हुई है जो हर नौजवान मोहब्बत और जवानी के जोश में कर बैठता है। हाँ मामा जी, अभी अभी एक कांटा निकला ही था कि हड्डी गले में फंस गई। ये हड्डी भी नीचे उतर जाएगी, मैं सब समझ लूंगा, तुम सिर्फ 10,000 का इंतजाम कर दो। 10,000? मामा जी आपसे तो बैंक बैलेंस छुपा नहीं। अरे बैंक की कौन बात करता है, बड़े पतीले की तो खुरचन भी बहुत होती है, घर जाके मां से मांग लो। मां से? आज अगर जीजा जी होते
तो पैसे का मुंह ना देखते, हड्डी नरम कर देते। क्यों उस्ताद, तबीयत कुछ खराब है कि? ओए तबीयत खराब हो तेरे पियू दी। सुना, माल पार करे हैं? हो गया। कितने पैसे लगे? 500 रुपया गया। कोई गल नहीं, है बाबू कौन है? इन्होंने थोड़े नाल कोई खास ही काम है। की गल है बाबू? आप जरा एक मिनट। तू चिंता मत कर बाबू, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। मगर कैसे? लड़की को देंगे क्लोराफार्म, वो हो जाएगी बेहोश, कपड़े में लपेट के रेल की पटरी पर रख देंगे, ऊपर गाड़ी निकल जाएगी, सीधा सुसाइड का केस। हेलो सीमा, मैं नरेश बोल रहा हूँ। मुबारक हो, माँ हमारी शादी के लिए राजी हो गई हैं और तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझसे मिलना चाहती है? कब? अभी इसी वक्त। मैंने गाड़ी ऑलरेडी भेज दी है, तुम्हारे यहाँ पहुँचती होगी। उसका रंग काला है, ड्राइवर जरा पहलवान सा है, इशारे के लिए 3 बार हॉर्न देगा, तुम फौरन उसके साथ चली आना। ओके, थैंक यू नरेश, थैंक यू सो मच। ओ नरेश, नरेश। वाह पहलवान, कमाल कर दिया। ज्यादा बातें मत करो, उठो यहां से, बड़ा डेंजरस है। थैंक यू। उठ जा सीमा, जमदूत चले गए। आंसू पोछ जान पगली, मैंने तुझे बेटी कहा है, अब प्यो का फर्ज निभा के दसांगा। कौन है आप? रास्ता छोड़। पहलवान, ये घर है? घर ये कोई अखाड़ा नहीं है? अबे हटता ही नहीं, नीचे बात करो, मेरा भी गुस्सा वक्त खराब है। खटमल आओ जी। भाई साहब, सीमा, क्या बात है? क्या बताऊं भाभी, मैं तो उस काबिल नहीं रहा कि मुंह खोल सकूं। शर्म और बदनामी के ख्याल ने मेरा गला घोंट दिया। आप इस देवता समान आदमी से पूछ लीजिए। कौन है आप? बहन जी, लोग मैंने बदमाश थे, गुंडा समझते ने, पर आजकल के शिफों से कहीं अच्छा हूं। मैंने ऊंचे घर में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन ऊंचे घर के नीच लोगों से कहीं ऊंचा हूं। लेकिन बात क्या है? बात ऐसी है बहन जी, जिसे अमीरों को करते हुए शर्म नहीं आती, मगर गरीबों को कहते हुए शर्म आती है। आप साफ साफ कहिए। तो फिर साफ साफ सुन लो, आपका लाडला बेटा नरेश इस गरीब लड़की से शादी का वादा करके इसकी इज्जत नाल खेलता रहा। ये मैं क्या सुन रही हूं? अभी आपने सुना ही क्या है बहन जी, ये बेचारी अब जब नरेश के बच्चे की मां बनने वाली है, तो इसे मार डालने के लिए मामा पांजा दोनों ने मुझे 10,000 रुपए दिए।
इस घिनौने पाप के लिए मुझसे रुपए लेकर गया था। हेरा। मगर रुपए लेकर भी मैं बिका नहीं। इस बच्ची की दुख भरी कहानी सुनकर मेरे जैसे इंसान का भी दिल कांप गया। इस पाप को करवाने के लिए आपके नीच बेटे ने जो पैसे मुझे दिए थे ये रहे वो। मैं नहीं जानती थी मेरा खून इतना गंदा हो सकता है। पैदा होते ही ऐसी औलाद का तो गला खोद देना चाहिए। ये नेक काम मैं खुद कर लूंगा बहन जी। अगर आपके बेटे ने इस बच्ची से शादी करके इसकी इज्जत ना बचाई तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूं। इसकी नौबत नहीं आएगी सरदार जी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। भाई साहब, सीमा की लाज की रक्षा मैं वैसे ही करूंगी जैसे एक माँ अपनी औलाद की करती है। सीमा जिंदा है। भांजे, पहलवान ने धोखा दे दिया। अब क्या होगा? अब वही होगा जो मैंने सोच रखा है। साफ तारा है। किसका तार है दादाजी? तुम्हारे बापू का बेटी। बापू का? उनकी तबीयत बहुत खराब है। बापू की तबीयत खराब है? हाँ, तुम्हें बुलाया है। जल्दी चलिए ना दादाजी। चलो बेटी। हरी, मेरा कोट ले आओ। भांजे, बात बन गई। करो और चुपचाप चले चलो हमारे साथ। हटो उधर, हटो। गाड़ी पीछे लो। ठाकुर चाचा, आप? चाचा कहते हुए तेरी जबान नहीं कांपती? पहचानता है ये चिट्ठी किसकी है? बोल, बारों ने जो कुछ लिखा है वो सच है? तूने हमें धोखा दिया। जिस बेटी के प्यार ने मेरे हाथों से ये बंदूक नीचे रखवा दी थी, आज उसी की पुकार ने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। एक भोली भाली लड़की को धोखा दिया, आज तक हम तो झूठ बोलता रहा। बोल, क्यों झूठ बोला था? बोल, क्यों धोखा दिया? बोल, अब बोलता क्यों नहीं? बोल, बोल, क्यों झूठा वचन दिया था? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हट जाओ। तेरी जान से मारना है तो मुझे मार डालो। कौन हो तुम? मैं इसके अभागर माँ हूं। इसमें इसका कोई दोष नहीं। इसकी जुबान तो मैंने काट दी थी, ये मुझे वचन देकर चुप हो गया। क्या मतलब? ये तो अभी भी पार्वती को चाहता है, पर मेरी खुशी के लिए इसने पार्वती से झूठ बोला। अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई के स्वार्थ के लिए इसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। हे भगवान, अनजाने में मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने जवाई पर अपने याद उठा दिए। याद टूट क्यों ना गए? टूट क्यों ना गए? टूट क्यों ना गए? ठाकुर चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी मार तो मेरे लिए खुश नसीबी साबित हुई है। देखिए ठाकुर चाचा, मुझे मेरी माँ का प्यार वापस मिल गया है। बेटा,
बेटा बेटा मुझे माफ कर दे, ये सब सब अनजाने में हो गया, सब सब अनजाने में। माँ तुम यहां कैसे आई? मैं तुझे लेने आई हूं बेटा, तुझे खोकर मैंने सब कुछ खो दिया। नरेश ने तो अपने बाप के नाम पर कलंक लगा दिया। ये क्या कह रही है माँ? बेटा तुम अब हमारे साथ जल्दी चलो, मैं तुझे बता नहीं सकती कि मेरा भाई और नरेश कितने नीच निकले हैं। जल्दी चलो, कहीं पार्वती को लेकर कोई और मुसीबत न खड़ी कर दे। मेरे होते कोई कुछ नहीं कर सकता। नीचे उतरो। लेकिन चाहते क्या? अब भी पता चल जाएगा। तुम ड्राइवर का ख्याल रखना। चलो चाबी लाओ। जबरदस्ती की ये शादी हरगिज नहीं होगी। नहीं सेठ जी, जबरदस्ती नहीं, इस शादी में हम आपकी रजामंदी चाहते हैं। मां ये रजामंदी हरगिज नहीं दूंगा, कमीने बदसार। खामोश फटे, ले जाओ उसे वहां बांध दो, ताकि दादा अपनी पोती का लगन अपनी आंखों से देख सके। ले जाओ। अपने आदमियों से कह दे बंदूकें फेंक दे। बोल बोल, बंदूकें फेंक दो, फेंक दो बंदूकें। चल चल आओ दादाजी। खबरदार कोई अपनी जगह नहीं जा। तो छोड़ दो, छोड़ दो, मैं खाली हाथ आती हूँ तो छोड़ दो। चल ले जाओ, ले जाओ। तुम यहाँ कैसे आए? उस ड्राइवर ने भागने की कोशिश की थी, मैंने उसे खत्म कर दिया। अच्छा किया, जाओ जाके बाहर नजर रखो। ओके सर। मुझे मार डालो, मुझे जान से मार डालो। तुम्हारी जान कैसे ले सकते हैं बेटी, तुम्हें तो मेरे भांजे का घर बसाना है। अगर तुम इस शादी के लिए फौरन तैयार ना हुई तो इस बुड्ढे को जान से हाथ धोने पड़ेंगे। राके, मैं पांच तक गिनता हूं, अगर तुमने हां नहीं की तो बुड्ढा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। एक। मेरी चिंता न करो बेटी, लेकिन ये शादी मत करना। तो मेरी फिक्र न करो। मेरी फिक्र न करो बेटी। तीन। मुझे मर जाने दो बेटी, लेकिन इस शादी के लिए कभी राजी ना होना। चार। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं बेटी, हरगिज नहीं। नहीं। मैं तैयार हूं, शादी के लिए तैयार हूं। कौन हो तुम? ये चोट कैसे आई? जाग्रतो दूरम् उदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूं, तुम लोग यही ठहरो, मैं पीछे के रास्ते से जाता हूं। नहीं जाओ चाचा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिद मत कर बाबू, परों का कहना मान। ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात्। देर हो रही है पंडित जी, फेरे शुरू करो, मंत्र बाद में पढ़ लेना। सब हो गया श्रीमान, अब फेरे ही बाकी है। हाँ जल्दी कीजिए। हाँ जल्दी करता हूँ।
आप लोग उठ खड़े होंगे मुझे आप। सनोर्य महादेव प्रेतो मुंचन्तु मा पते स्वाहा इदं मर्यमणि अग्नये दन्न मम ओम ध्रुवा धौर ध्रुवा पृथिवी। सनोर्य महादेव प्रेतो मुंचन्तु मा पते स्वाहा इदं मर्यमणि अग्नये दन्न मम ओम ध्रुवा धौर ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवा से पर्वताय मे ध्रुवा स्त्रीपतिकुलैव ध्रुवा दम। माँ मैं भी जाता हूँ, चाचा जी माँ का ख्याल रखना। तुम फिक्र ना करो बेटा।
पाऊंगा वरना गोली से उड़ा दूंगा। बापू 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 मेरी बच्ची भाई से माफी मांगता है चल भूल जा पुरानी बातों को। अरे तुम धन्य बेटा आज के युग में भी राम को अपनी आंखों से देख लिया भगवान और मां को तुम जैसा बेटा और हर भाई को तुम जैसा भाई दे लेकिन लेकिन किसी बहन को ऐसा नीच और कमीना भाई न मिले। कुत्ते चंचल तू ही मेरे घर संसार में आग लगा दी थी मुझे कोई शंगा से कई बना दिया दूर हो जा निकल जा यहां से। बहन बहुत बहुत बधाई हो माला के बिखरे हुए मोती भगवान ने फिर से परो दिए आप सब सुखी है। सेठ जी मैं अब गांव चलता हूं। नहीं बापू। नहीं ठाकुर आप अपनी बीजी का कन्यादान किए बगैर नहीं जा सकते। भाई सब ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब राकेश और पारो के साथ साथ नरेश और सीमा को भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है इन दोनों की शादी से पहले हम आपको नहीं जाने देंगे। हाँ ठाकुर चाचा जैसे आप लोगों की इच्छा। आओ ठाकुर आओ।